बेटा जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हम हिमांशु की प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 4। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा अब यहाँ पर उसने कहा है कि जो मिनट हैंड है ना, वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दैट मीन्स ये रेडियस दे दिया मुझे, क्योंकि अगर ये क्लॉक है, ये मिनट हैंड है, जितनी मिनट हैंड की लेंथ होती है वो रेडियस होता है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है आर दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब मुझे क्या कहा गया इसमें, हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब उसने मुझे कहा कि 40 मिनट्स में, दैट मीन्स टाइम जो है मेरा क्या दे दिया उसने, 40 मिनट्स टाइम दिया है। उसने कहा कि 40 मिनट्स में मेरे पास जो है वो कितना लेंथ कवर करती है, मुझे एल कैलकुलेट करना है। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट एल बेटा। अब सबसे बड़ी बात है, आप बुक का कॉन्सेप्ट चाहे ना करो, मेरे पास जो है नो नीड टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक। आप सीधा पहले टाइम का से थीटा निकाल लो बेटा, टाइम से थीटा निकाल लो। आपके पास जो है कैसे कि अगर 60 मिनट्स है मेरे पास, 60 मिनट्स में थीटा होता है 360। आप सीधा भी 2π कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज टोटली अप टू यू। थीटा इज 360। 1 मिनट में थीटा इज 360/60 और मुझे कितना चाहिए 40 मिनट्स में, तो थीटा कितना हो गया 360/60×40। ये डिग्रीज में बताया मैंने, मैं आपको कह रही हूँ पहले भी आप रेडियंस में कर सकते हो सीधा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कटिंग करूँ, 0 से 0 कट गया, 2, 3 मत चेंज करो 360 को, आपने करना है, आप कर भी लोगे मुझे कोई प्रॉब्लम, पर मुझे पता है मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है मेरे पास जो है पाई बाय 180 होता है। तो मुझे पता है 180 360 के साथ सीधा ही कट जाएगा। अब ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, लेट मी शो प्रॉपर। ओके तो अब देखिए ये कट गया 2 से, है ना, तो मेरे पास ये कितना बन गया 4/3 पाई रेडियंस, थीटा आ गया। अब बेटा अगर थीटा आ गया, आर पता है, तो एल आप कैलकुलेट कर सकते हो हिमांशु। क्लियर बेटा, एनी डाउट, यू नो द फॉर्मूला ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा पता है, आर पता है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके जी, चलिए अब स्टूडेंट्स आ गए हैं, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम सेइंग व्हाटएवर वी आर टुडे डूइंग इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो हमने किया ना वो एक बहुत लोअर लेवल का कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। आज जो हम कर रहे हैं ना, मेन हमारा +1 का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से, मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए, उसको नोट कीजिए और माइंड को फास्ट हमने जो है इसको भगाना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट सर्कल जो है ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, यूनिट सर्कल। अगर ये यूनिट सर्कल है तो बेटा इसका ये रेडियस, ये चीज, ये चीज, ये सारी जगह 1 होगा। ओके जी, मैं एक छोटी सी फिगर दोबारा बना के दिखा देती हूँ। मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 1 था, दैट मीन्स ये भी डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने इसको जो है 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करना है, तो मुझे पता है तब हर पॉइंट को मैं एक कोऑर्डिनेट की तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और उसमें मेरे पास जो है क्या डिस्टेंस, इस पॉइंट को कैसे मैं लिखती हूँ। आपको पता पहले एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, वो तो 0 ही है ना। ऐसे ही यहाँ पर पहले एक्स, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 और y का जो डिस्टेंस 1 था तो दैट्स y1। फिर किस तरफ आए, आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है हमारा, तो इस तरफ अगर मैं पॉइंट्स लूं, ये वाला पॉइंट जो है x माइनस 1 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। सेम यहां पर अगर मैं आती हूं तो यहां पर ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो मेरा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट माइनस 1। विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स जो है यहां पर लिख दिए। ओके, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप, मैंने यहां पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया a कॉमा b। अगर मैंने a कॉमा कोई पॉइंट b लिया तो बेटा 100% यहाँ पर जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ मेरी b होगी और यहाँ से ओरिजिन से m तक लेंथ मेरी a होगी। ओके जी, आई हैव टेकन एनी पॉइंट ए बी विच कवर्स अ डिस्टेंस l, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर। कैसे, क्यों ऐसे वो l जो है x बन गया? रीजन, क्योंकि मैंने एंगल लिया थीटा, मुझे फॉर्मूला पता है कि जो l होता है ना वो r थीटा होता है। अगर थीटा मैंने x लिया रेडियंस में, है ना, रेडियस मेरे पास 1 है, तो 100% l की वैल्यू भी x होगी, इसीलिए मैंने यहां पर भी x डिनोट कर दिया। ओके, ठीक है ना, कोई यहां पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा हम आगे चलते हैं, जो बात मैं समझाना चाहती हूँ। आपको पता है ये ओ एम पी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ना। अब अगर ये ऐसे है तो 100% ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या मैं ए स्क्वायर को a ओवर 1 लिख सकती हूँ, b स्क्वायर को b ओवर 1 लिख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब a ओवर 1 ध्यान से देखना, ये क्या बेस, a इज बेस, a b by h, हाँ जी b by h क्या होता है, b by h मेरे पास कौन सी t रेशियो होती है? Anybody from you? Hurry up, raise your hand. B by H. Okay, Japanjot Singh. Japanjot. Ma'am, cos. बिल्कुल ठीक है बेटा. Cos theta होता है, पर यहाँ theta x है, तो I will write here x. ये square ऐसे लिख दिया, है ना? Plus. ऐसे b by h, यहाँ पर b है, b is perpendicular, perpendicular over hypotenuse, वो मेरे पास क्या होता है? That is sin, तो sin square x equals to 1, ये identity आपने की हुई है already, की हुई है ना, तो हमने उसी को यहाँ पर use किया, हमने आपको बताया, यहाँ से बहुत important बात सीखेंगे। पहले इतनी बात में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर मैंने पूरे सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में चेंज किया, और वो कौन से क्वाड्रेंट्स में चेंज किया? पहले क्वाड्रेंट में एंगल था 5/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा था 5/2, ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा क्या बन गया, अगर मैं देखूं तो 2 × 2π/2, 2 × 2π/2 मतलब 2 × 90 इंक्रीज हुआ, 2 times ही हुआ ना, पहले इधर फिर इधर मेरे पास, मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं क्लियर कट लिखूं तो पाई बाय 2 से ज्यादा और पाई तक रही। बेटर है मैं आपको ऐसे लिखवाती हूँ,
ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्वाड्रेंट के एंगल्स के बारे में पता चले। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एंगल है वो कहां से कहां तक लाइटर है। अगर मैं बताऊं तो इन थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास हो गए थीटा किसमें लाई कर रहा है, पाई से लेकर 3π/2 तक। इन फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे पास थीटा क्या लाई कर रहा है, 3π/2 से लेकर 2π तक। ये जो लाइंस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइंस, बेसिकली ये क्या है, दीज आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। बेटा आप कुछ सोच लो, ये पाई बाय टू वन, इसको पाई बाय टू को 1 × π/2 लिख सकती हूँ, ये पाई है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं पाई को 2π/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगली क्या थी, 3π/2 है ये ना मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आप कहते हो कि ये 2π है, मैं कहती हूँ बेटा आप पाई बाय 2 × 4 टाइम्स करो, यानी बेसिकली ये जो भी एक्सिस पे एंगल है वो क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। इंटेग्रल मतलब ये जो आगे क्वांटिटी है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इंटीजर्स, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो इन एंगल्स को जो कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। व्हाट वी कॉल देम, दैट इज क्वाड्रेंट एंगल्स। ये सारा मैंने आपको बताया जस्ट टू टेल यू कि ये क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं। जाओ वो एंगल्स जो बेटा सारे के सारे या तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं या वाई एक्सिस पे, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम पूरे क्वाड्रेंट को 4 parts में, क्वाड्रेंट सिस्टम को 4 quadrants में चेंज करते, ओके, कन्वर्ट कर। बात क्लियर होगी यहाँ तक, मैंने क्वाड्रेंट एंगल्स के बारे में बात की। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को समझाने लगी, देखना जरा, ठीक है। ये तो एक जस्ट माइनर सी टर्म थी जो बताने के लिए मैंने आपको सारा बताया। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं साइन जीरो, आपको पता है जीरो होता है, यू नो इट वेरी वेल, पर आता कहां से साइन जीरो। हमें वैसे साइन एंगल, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ थीटा, मुझे पता है पी बाय एच होता है। जब मैं जीरो एंगल की बात कर रही हूं, मैं आपको समझाने लगी, जरा ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व है, इसी पे मर्ज कर दी ना, जीरो एंगल मतलब कुछ भी नहीं, यानी जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर था है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट मर्ज कर गया, ये पॉइंट और यहां पर ये आके इधर ही मर्ज कर गया। जब ये पॉइंट इधर आके मर्ज कर गया तो ये जो परपेंडिकुलर चीज थी ये खत्म हो गई, फिनिश होगी ना। अगर ये फिनिश हो गई यानी परपेंडिकुलर हो गया जीरो, हाइपोटेन्यूज 1, इसीलिए आंसर जीरो आता। लेकिन अगर मैं बात करती हूं साइन 90 degrees, साइन 90 होता तो पी बाय एच है ना, अब 90 पे क्या मतलब, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल इसके ऊपर मर्ज कर गया, यानी ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास, तो यानी ये हो गया 1/1, तो आंसर इज 1। अब जरा ध्यान से गौर करना, आंसर जीरो, ये जीरो आ रहा है यहां वाई वाली कोऑर्डिनेट की जगह पे, एक्स वाई होता है ना जिसको आप अब सीसा कोऑर्डिनेट कहते हो, कोऑर्डिनेट की जगह पे यहां जीरो, यहां 1, यानी यहां से मुझे ये पता चला
अगर कभी भी मुझे साइन थीटा की कोई वैल्यू चाहिए ना स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में, मतलब 90 पे, 3 पाई बाय 2 पे, पाई पे, 2 पाई पे, किसी पे भी चाहिए, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। मैं क्या देखूं, सिर्फ मैं सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देखूं। अच्छा, अब मुझे अगर मैंने यहां आपको बता दिया साइन पाई बाय 2, अगर मैं कहूं साइन पाई की वैल्यू, अब फिगर से देख के मुझे बता सकते हो कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? एनीबॉडी फ्रॉम यू, जल्दी जल्दी, एनीबॉडी फ्रॉम यू कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके जिवितेश, वेरी गुड, यस जिवितेश बेटा, माइनस माइनस कितनी, माइनस वन। बेटा मैंने आपको वाई कोऑर्डिनेट देखने को कहा था, ये वाई, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, जीरो है, तो आंसर इज जीरो। ऐसे ही साइन टू पाई अगर मैंने देखना है, टू पाई में दोबारा घूम के, मतलब ये पूरा एक्स कवर होके यहां तक आएगा, तो आंसर अगेन जीरो। इसके बाद अगर हमें इससे अगला एंगल लेना हो, और मान लो मैंने लेना हो 380, अगर मैंने 380 लेना हो तो वो सेम इन्हीं में से कुछ आएगा। मान लो अगर मैंने कोई वैल्यू लेनी है, स्कोर मैंने लेनी है 5, चलो आई विल टेक 450, तो 450 वैल्यू आपको पता 360 तक यहाँ होता है, 360 में 90 ऐड करो तो उसका आंसर अगेन मेरे पास 1 आएगा। यानी आफ्टर 2 पाई द वैल्यू विल रिमेन सेम। यस आर्यन, यस बेटा आर्यन। मैम वो 90 डिग्री की वैल्यू कैसे डिराइव की, एक बार दोबारा बता दो। ये तो हमने डेरिवेशन तो हमने 10th में भी की थी, मैं फिर बता देती हूँ मैंने सर्कल की हेल्प से कैसे ली। अगर आप कहते हो कि ये कर्व जो है, क्योंकि 90 कब बनाता है, जब ये पूरी की पूरी एक्स लाइन इधर तक आ जाती है, यानी ये जो पॉइंट ए बी है वो इधर आ जाए। अगर ये पॉइंट ए बी आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 0 1। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर, मेरे पास ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर परपेंडिकुलर बेटा क्या बन गया, दैट इज 1 ओवर एच, एच नहीं 1, इसीलिए 1 ओवर 1 आंसर 1 हो जाता। ये मैंने पुराने कॉन्सेप्ट से बताया, लेकिन अगर मैं इस फिगर की हेल्प से बताऊं तो मैं सिंपल कहती हूँ साइन की वैल्यू वो होती है जो वाई कोऑर्डिनेट होती है यहाँ पर, और कॉस की वैल्यू वो होती है जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन कॉस पता चल गया ना, बाकी सब आपको पता लग जाएगा। रीजन क्योंकि बेटा बाकी सब साइन कॉस पे ही डिपेंडेंट है, सबका रिलेशन है साइन कॉस के साथ। ओके क्लियर, सबको बात समझ आई। अच्छा मैं बता रही थी, अगर 540 की वैल्यू, मैं डिग्रीज में बात कर रही हूँ क्योंकि आपको डिग्री में थोड़ा सा इजी लगता है, अगर मैं यही चीज आपको रेडियन में कहती तो मैं कहती 2 पाई प्लस 5 बाय 2, दैट मींस 5 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है साइन की, साइन 5 पाई बाय 2, तो मुझे पता है वो 360 के बाद, मतलब एक पार्टिकल कह लो इधर चला, यहां से चला, इतना एंगल किया, यहां तक गया, दोबारा यहां आ गया, तो वहां पर वैल्यू फिर मेरी 1 आ जाएगी। यहां से मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्न किया बेटा, कि व्हेन वी टेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट जो है हमारे पास, मतलब आप यहां से स्टार्ट करके जैसे मर्जी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम दोबारा सेम पॉइंट पे आ जाते हैं। मान लो एक पॉइंट पहले यहां था, उसने कंप्लीट रेवोल्यूशन ली, पूरा 360 कवर किया, वो दोबारा यहीं पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही ले। ओके
तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लर्न किया, यू जस्ट नोट डाउन दिस लाइन, प्लीज नोट डाउन दिस लाइन। We observe from this that if x increases, or decreases by any integral multiple, of 2π, the value of sine and cosine, does not change. दो है तो डू नॉट लगा दो, चाहे डू नॉट चेंज। यानी क्या हमने यहां से, अब हम इतनी वर्डिंग थोड़ा पेपर में लिखते हैं मैथ्स के रिलेटेड, तो हमने यहां से एक चीज लर्न की कि साइन 2nπ, ध्यान से देखना बेटा, साइन 2nπ प्लस एक्स is always sine x, where यहां पर मेरे पास जो n है ना, that belongs to integers, मतलब वो positive भी हो सकता है, वो negative भी हो सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर मेरे पास हो sine 6π plus x, मुझे पता है ये 2nπ है, मतलब 2 break हो रहा है यहां से, तो मैं इसको साइन एक्स लिख सकती हूँ 2nπ, मतलब क्या बेटा 2π का मल्टीपल, इवन मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज इफ आई एम हैविंग द वैल्यू फॉर यू, जस्ट वेट बेटा, है ना, सपोज आई एम हैविंग वैल्यू 5π प्लस, आपके पास कोई भी थीटा होता तब आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहां 5π है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। मैंने आपको क्या लिखा है, 2nπ, मतलब इवन नंबर होना चाहिए पाई का, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तभी ये आंसर जो है साइन थीटा आता है। ऑड मल्टीपल है तो यू कांट राइट कि ये साइन थीटा की, ओके। अच्छा, एक और मान लीजिए आपके पास जो है ऐसे होता, तब भी मैं साइन थीटा ही लिखती, क्योंकि मैंने आपको कहा एन इंटीजर होना चाहिए, वो इवन भी हो सकता, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी होता है, तो घबराने वाली बात नहीं। बात समझ आई सबको? अच्छा, अगर मैं लिखूं सपोज, कैन यू राइट इट एज साइन थीटा? काव्या ने कहा नहीं, समृद्धि ने कहा नहीं, बाकी बच्चे, अर्षदीप सिंह, कैन यू टेल मी? मैम, वी कांट राइट इट लाइक दिस। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहां से हमने इतनी इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि हमारे पास तो ना इस चीज को, जो ये साइन का कॉन्सेप्ट है 2nπ, सेम कॉज का है, टैन का नहीं है, वो हम डायग्राम करके आपको बताएंगे। यहां ये जो 2nπ है ना, ये हमारी 2π पीरियडिसिटी होती है। मैंने आगे भी आपको वर्ड पीरियडिसिटी बताया था, पीरियड से वर्ड बनाई पीरियडिसिटी। जैसे आपका हर पीरियड आपको पता है 35 मिनट्स का होता है, आफ्टर एवरी 35 minutes your class will be off, and after 5 minutes of break your class will be, new class will be started. Same yahan par wo kehta hai ki after the multiple of 2π agar values jo hai wo repeat hoti hai, isi liye hum
आपको कई बार वन मार्क का पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द पीरियडिसिटी पीरियडिसिटी ऑफ साइन थीटा. पीरियडिसिटी मींस व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू आफ्टर विच द वैल्यू विल स्टार्ट. तो दैट इज 2π. पीरियडिसिटी इज 2π. ओके, समझ आई? कॉस की भी सेम ही होती है, सेम कॉस में भी ये रूल अप्लाई होता है. कॉस में भी ये रूल अप्लाई होता है, बिल्कुल कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है. और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कॉस 0 अगर मैंने लेना है तो वो 1 होता है, कॉस 90 वो 0 होगा, कॉस पाई दैट इज -1, कॉस 3π/2 0, कॉस 2π/1. ओके बेटा, क्लियर? तो अब हमने जो है यहां से ये टर्म्स एक पीरियडिसिटी सीखी. अब एक और नई बात सीखते, अगर मैं यहां पर ये चीज सीख रही हूं कि मेरी वैल्यू, अगर आप देखो साइन की वैल्यू, अगर मैंने देखा साइन 0 मेरे पास 0 है, साइन पाई मेरे पास 0 है ना, तो यहां से मैंने क्या देखा बेटा कि अगर मेरा साइन एक्स 0 है तो दिस इंप्लाइज एक्स जो है ना वो एन पाई होता है. ये चीज मैं आपको कॉम्प्लेक्स में करवा चुकी हूं, बट तब मैंने आपको कहा था बेटा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, पीरियडिसिटी होती है, बट अब ज्यादा क्लियर होगा कि देखिए क्लियर कट है. साइन एक्स 0, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पर जो है एन की वैल्यू 0 लू तो एक्स 0 आ गया, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लू पाई आ गया, 2 लू 2π आ गया, तो आप देखो साइन 2π की वैल्यू भी 0 होती है. होती है कि नहीं होती? नेगेटिव में भी, अगर क्योंकि n हमेशा इंटीजर्स को बिलोंग करता है, प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग. तो अगर ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मेरे पास मैं कहूं कि x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 पे पाई पे 2π पे 3π पे सो ऑन, इधर से -π -2π -3π, इज इट इजी फॉर मी टू राइट ऑल द वैल्यूज और पुटिंग डैश ऑन बोथ द साइड? नहीं इजी है ना, इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट में हम ये लर्न करवाते हैं. और ये यूज कहां होना है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे देन यू रियलाइज कि यस हमने ये फॉर्मूला किया था इसीलिए उसका. आप खुद सोचो, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में बताया था कि रियल पार्ट जो है वो होना चाहिए, तो हमने कहा था इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो हमने वहां से वैल्यू निकाली थी और हमने एक्स का आंसर एन पाई लिखा था, है ना? क्यों लिखा था? जस्ट बिकॉज ऑफ टू सिंप्लीफाई द आंसर इन शॉर्ट, क्योंकि एंगल मेरे पास इनफाइनाइट है, मेरे पास इजी नहीं है उसको लिखना ऐसे डैश डैश करके, तो मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये चीज लिख दी. सबको क्लियर हो गया बेटा? ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी डाउट कम्स इन योर माइंड यू कैन आस्क मी, मेरे को सबसे आंसर चाहिए. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चले आगे फिर सब. ओके, समृद्धि वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं. ओके चलिए, ठीक है बेटा. तो ऐसे ही मेरे पास कॉस का भी रिजल्ट है, सेम अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉस एक्स वैनिश, वैनिश मतलब उसका आंसर 0 कब आता है? अब आप देखिए खुद, मेरे पास जो है कॉस एक्स का आंसर 0 कब आता है? कॉस 0 कब होता है? पाई बाय 2 पे. अच्छा, मैंने कहा जी पाई बाय 2 पे लिख लेते हैं, फिर अगला कॉस का 0 कब आ रहा है? 3π/2 पे आ रहा है ना, दो तो नजर ही आती है ना हमें, तो मैं यहां से रियलाइज कर सकती हूँ. कोई मेरे को रिजल्ट यहाँ से बता सकता है कि आप कैसे लिख सकते हो? चलो अगला यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अगला 5 होगा, फिर 7 होगा. एनीबॉडी कैन यू टेल मी? अच्छा, प्लस माइनस भी होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भी जाएगा. ये भी मैंने लिख लिया. आप इसको
किसी वे से बता सकते हो कि हम कैसे लिखें? कोई बच्चा, कोई एनीवन फ्रॉम यू, कि मैं इसको जैसे सिंपलीफाई करके एन पाई लिखा था. ओके ओके जतिन, यस बेटा जतिन बता सकती हूँ. हम इसको हम लिख सकते हैं एन पाई बाय टू, वेयर एन इज नेगेटिव, एन इज इन सोचो एन कैसा है. देखो पहले में वन ऑड नंबर, एन इज ऑड नंबर. ओके आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एन को ऑड. मैं आपको बार बार कह रही हूँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया. हम आपको ये कह रहे हैं कि बेटा एन यहाँ पर जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्री में डील करते हैं वो इंटीजर्स होता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती ना. तो बेटर है, ये आपने बिल्कुल डिटेक्ट किया कि ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स को हम टू एन प्लस वन ना लिख दें, वो ज्यादा बेटर नहीं है ना. वो अपने आप एन इंटीजर्स के साथ आ जाएगा, मुझे टेंशन नहीं होगी कोई. तो दैट मींस कॉस थीटा वैनिश कब करता है, जब एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू हो. लेकिन साइन थीटा वैनिश कब करता है, जब एक्स की वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई हो. यानी अगर मैं आगे हम 10 तक करते थे कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, आप कहते थे थीटा जीरो. अब आप ये नहीं लिखोगे, रीजन हम पहले सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करते थे, अब हम इनफाइनाइट एंगल्स के साथ डील करें. ओके क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है जी. तो यहां से आज जो हमने बहुत दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक साइन वाला रिजल्ट लर्न किया और एक कॉज वाला हमने ये रिजल्ट लर्न किया कि कॉज एक्स equal to 0 when x is odd multiple of pi by 2, sin x is 0 when x is multiple of pi. बस एक काम करना है, एक शीट लगा लो अलग, जो दो रिजल्ट्स मैं 2, 3, 4 शीट पे लिखते जाऊं स्टिकी नोट्स के साथ, उसको अपने वॉल पे लगा लो. आते जाते देखोगे तो आपको साथ साथ लर्न हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा फॉर्मूलेज लर्न करने को. नॉर्मली आपको ये डरा दिया जाता है 100 फॉर्मूलेज हैं जी, 50 फॉर्मूले हैं जी, 200 फॉर्मूलेज हैं. फॉर्मूले कुछ नहीं है, एक से एक आगे ड्राइव किए गए. तो आप डेली के डेली लिखते जाओ, आपको आते जाते देखोगे. आज दो की हैं, मेन तो यही दो है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज एन पाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज टू एन प्लस वन पाई बाय टू, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू बोल दो. अगर 2n plus 1 बोलना मुश्किल लगता है तो odd multiple of pi by 2. देखो आपका क्वेश्चन कितना इजीली जो है वो सॉल्व. ओके बेटा क्लियर? ठीक है आगे हम करें यहाँ पर जो है नेक्स्ट. आपने जो है 10th तक जो वैल्यूज की थी अब उसको स्टडी करते हैं. लेट अस स्टडी दैट, उसके रिलेटेड हम ग्राफ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, साइन कॉज. और ये रियल लाइफ में ग्राफ इतना मतलब हेल्पफुल है ना, यू कांट इमेजिन. इवन फॉरेंस में इस कर्व के रिलेटेड पार्ट्स बनाए गए हैं. ठीक है अगर ये मैंने मान लीजिए एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक चीज याद रखना, अगर ये सब कुछ सर्कल के साथ डील है, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन की वैल्यू पहले जीरो से स्टार्ट हुई, वन तक गई, गई पहले क्या हुई इंक्रीज हुई, फिर वन से दोबारा जीरो पे आई, आई ना, तो क्या हुआ फिर डिक्रीज हुई, फिर जीरो से मेरे पास कहां पर गई माइनस वन तक गई, यानी फिर वैल्यू मेरे पास हो गए वहां पर डिक्रीज ही हो रही है. उसके बाद जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो माइनस वन से जीरो तक गई, फिर वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. यानी हर क्वाड्रेंट में
साइन की नेचर अलग है। अब ये नेचर की बात ना हम ह्यूमन बीइंग के साथ कोरिलेट करते हैं। हर क्लास में आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो अब हर एक की नेचर अलग होती है। किसी को किसी बात पे गुस्सा आता है, किसी को किसी बात पे गुस्सा आता है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है। सेम ही है, ये आपकी पूरी क्लास है, अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, है ना। इसमें कोई एक ग्रुप का स्टूडेंट बैठ के, इसमें कोई एक, सबकी नेचर अपनी है। तो अगर मैंने पूरी क्लास को 4 quadrants में डिवाइड कर दिया, मैं साइन की बात कर रही हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर नेचर की बात कर रही हूँ आपकी क्लास में, तो मैं वो कहूंगी, अच्छा जी वो वाले ग्रुप में ना ये पॉजिटिव है, अगला फिर है पॉजिटिव बट वो डिक्रीज कर रहा है, अगले में और वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अच्छा मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेती हूँ। अगर मान लीजिए कि हमने 10th ABCD में मैंने पढ़ाया, तो मैं क्या नेचर देखूंगी, मैंने चेक करना है कि बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वाओ 10th A में बड़े पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जैसे उनको पढ़ाते जाओ वो पार्टिसिपेशन उनकी मैक्सिमम होती जाती है। 10th B की बात की तो मैंने कहा पार्टिसिपेट करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। सी में बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, लेकिन डी में मैंने फिर कहा बहुत पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती है जैसे जैसे मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सेम कॉन्सेप्ट रियल लाइफ का हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैंने साइन कर्व को बेटा ड्रॉ करना है ना, देखिए ये जीरो, फिर उसके बाद क्योंकि क्वाड्रेंट एंगल्स को